हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला। तो यार क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे ले रखा और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए बॉय डिजाइन ए पिज्जा बाय कटिंग इट विद ए नाइफ ऑन ए कार्डबोर्ड। इफ पिज्जा इज सर्कुलर इन शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एंड एज ऑफ ए नाइफ रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई। तो यार ये रहा आपका पिज्जा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन को एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर को, और जो एज ऑफ नाइफ है, एज ऑफ नाइफ ये जो कट मार रखा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई स्ट्रेट लाइन को। तो मैंने क्या कर रखा है यहां पे, ये उठा के डायरेक्ट मैं कहां ले आया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। और यार आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये एक सर्कल है, ये सर्कुलर पिज्जा आप बोल भी तो रहे पिज्जा इज सर्कुलर, तो ये सर्कल है और ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल की प्यारे बच्चों इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 2 है। यार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 0 का स्केयर प्लस में y माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर। यस, तो यहां पे सेंटर 0 0 देख लो, सेंटर 0 0 मैक्स एक्सिस y एक्सिस पे लाया इस चीज को, सेंटर 0 0 और रेडियस 2, ये रेडियस 2, तो ये आपका पॉइंट हो गया 2 0 और इधर आपका हो गया माइनस 2 0, और ऊपर लिखना चाहो तो 0 2, नीचे लिखना चाहो तो 0 माइनस 2। यस, और x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से जाती है, जो ओरिजिन से जाती है, एक्स 0 लगाओ वाई 0 मिलेगा तो ओरिजिन से निकलेगी और पॉजिटिव स्लोप की लाइन है तो वो ऐसे बननी है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कहता है कि बेस्ड ऑन अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी यार उनको देख के कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे आपको आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है मैंने यहाँ पे और इसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे क्वेश्चन में बारी बारी से करवाने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड पिज्जा शोन इन द फिगर इज आर, कि आपको क्या बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड पिज्जा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड पिज्जा, लाइन और पिज्जा के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बताने, मतलब ये पॉइंट बताना और ये पॉइंट बताना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है जहां पे लाइन पिज्जा को कट कर रही है, वो बताना है कि वो पॉइंट क्या क्या है आपके। तो भाई कुछ भी नहीं करना, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को मैं कर लेता हूं सोल्व और वहां से निकालूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप देखते जाओ कैसे आता है। तो इसकी इक्वेशन तो क्या है, सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, और प्यारे बच्चों लाइन की जो इक्वेशन है वो एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई। अब कुछ भी नहीं करना भाई, एक्स उठाओ और यहां रख दो, एक्स उठाओ यहां रख दो, वाई आ जाएगा आराम से। तो एक्स रूट थ्री वाई है तो मैं यहां पे रूट थ्री वाई रखूंगा तो कितना आएगा, थ्री वाई स्केयर प्लस में वाई स्केयर ऐसे की ऐसे इज इक्वल टू फोर, और यार ये देखो फोर वाई स्केयर बन चुका इज इक्वल टू फोर, और प्यारे बच्चों वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर बाई फोर वन, तो y की वैल्यू एक तो आती है 1 और एक आती है माइनस 1, मतलब प्लस माइनस का 1। यस, जब यार y प्लस का 1 होगा, यार जब y प्लस का 1 होगा तो यहां पे x आपका क्या आएगा, रूट थ्री, सीधी सी बात है, y यहां लगा दो। और जब y माइनस का 1 होगा प्यारे बच्चों, y जब आपका माइनस का 1 होगा तो x क्या होगा आपका, माइनस रूट थ्री। तो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, एक तो रूट थ्री वन आया, ये बी पॉइंट क्या गया, रूट थ्री वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां पे सर्कल को लाइन कट करते, कितनी जगह कट कर रही है, एक तो यहां कट कर रही है, एक यहां कट कर रही है, और इसको मैं मान लेता हूं एम, इसको मान लेता हूं एम, और ये एम पॉइंट क्या है आपका, माइनस रूट थ्री माइनस का 1। तो आप खुद देखो कितना आसान, अब ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, रूट थ्री वन माइनस रूट थ्री माइनस वन, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों होता है अपना बिल्कुल करेक्ट। यस प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। मैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, यस प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बच्चों, अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द पीस ओ ए बी ओ ऑफ द सर्कुलर डिजाइन पिज्जा इज, आपको ये बताना है कि एरिया ओ ए बी ओ इनमें से कौन सा होगा, ये बताना है। तो यार ये बिल्कुल आसान सी चीज है, यहां पे मैं अगर ये कहूं आपको बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, रूट थ्री, और रूट थ्री टू से पहले होगा, मतलब यहां होगा, यहां होगा, यस, मैं इसका नाम रख देता हूं एन, और यहां से बी से मैं अगर लाइन डालू एन तक तो ये आएगी। तो ये जो एरिया ओ ए बी ओ है ना आपका,
ये दो पार्ट में निकल के उनका जोड़ होगा, कौन कौन सा एरिया, एक तो एरिया ओ बी एन ओ, एरिया एरिया ओ बी एन ओ, ओ बी एन ओ आप देख पा रहे होंगे फिगर के अंदर, प्लस प्लस एरिया एरिया एन बी ए एन, एरिया एरिया एन बी ए एन। अगर आप ये एरिया निकाल देते हो, एरिया ओ बी एन ओ प्लस एरिया एरिया एन बी ए एन, तो आपका एरिया ओ बी ए ओ आ जाएगा। बिल्कुल आसान, जिसने थोड़ा बहुत भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ रखा है आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो एरिया ओ बी एन ओ निकालते हैं भाई। तो देखो लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, आपका जीरो जीरो, और ये मैं बता रहा हूं ये रूट थ्री है ना, एक्स यहां पे रूट थ्री है, तो जीरो से रूट थ्री, जीरो से रूट थ्री, और वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स अच्छे से पता होगा। वाई किससे मांगना पड़ेगा, वाई किससे मांगना पड़ेगा, लाइन से, लाइन से मांगना पड़ेगा इसके लिए वाई, ठीक है यस। प्लस 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 एरिया एन बी ए एन के लिए, एन बी ए एन के लिए ये रूट थ्री है आपका, ये रूट थ्री है, रूट थ्री से टू, लिमिट आपकी रूट थ्री से टू वाई इंटू डी एक्स। अब जो वाई मांगना पड़ेगा वो किससे मांगना पड़ेगा, सर्कल से, किससे मांगना पड़ेगा, सर्कल की इक्वेशन से मांगना पड़ेगा। इसका तो वाई इससे आएगा, और इसका जो वाई आएगा, ये जो एरिया आगे देखो मैं ये एडिट कर देता हूं थोड़ा सा, इसका जो एरिया आएगा, इसका जो वाई आएगा वो किससे आएगा, सर्कल की इक्वेशन से। तो बस सिंपल भाई रखो और सोल्व करते चलो। तो जीरो से रूट तीन, जीरो से रूट तीन वाई मांगते हैं इससे, वाई कितना आएगा, एक्स बाई रूट थ्री, एक्स बाई रूट थ्री डीएक्स। तो मैं वन बाई रूट थ्री बाहर लिख रहा हूं, एक्स अंदर डीएक्स साथ में लिख रहा हूं, बिल्कुल आसान सी चीज है। प्लस प्लस रूट थ्री से, रूट थ्री से टू, रूट थ्री से टू वाई, जब हम सर्कल की इक्वेशन से मांगेंगे तो आपको दिख रहा होगा फोर माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, फोर माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, फोर माइनस एक्स स्क्वेयर, और उस पर रूट भी लगेगा, तो अंडर रूट फोर को मैं लिख सकता हूं टू स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर का रूट। तो वाई यहां से ये निकल के आएगा भाई, फोर माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, फिर वाई स्क्वेयर इधर है, तो वाई लिखने के लिए उधर रूट भेजना पड़ेगा, साथ में dx, साथ में dx। इसको मैं करता हूं थोड़ा सा सिंप्लीफाई और आंसर लेके आता हूं। तो प्यारे बच्चों मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, क्योंकि जगह की यहां पे है कमी, तो इसको मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, फिर मैं इसको सोल्व करता हूं। यस ये मेरे को मिटाना पड़ेगा, अब मैं आगे इसको सोल्व करता हूं कंटिन्यू। तो यहां पे देखो यार, इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई टू, और एक बटे रूट तीन भार है वो भार ही रहने देता हूं, और लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से रूट थ्री, लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से रूट थ्री। प्लस प्लस इसका इंटीग्रेशन भी आसानी से हो जाएगा, इस ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, एक्स बाई टू यू का यू, यू का यू मतलब टू स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, फोर माइनस में एक्स स्केयर, प्लस प्लस ए स्केयर बाई टू, तो टू स्केयर बाई टू मतलब फोर बाई टू, ए स्केयर यही तो ए का स्केयर, ए का स्केयर मतलब टू का स्केयर फोर, फोर बाई टू साइन इनवर्स, सारी चीजें हमने इंटीग्रेशन में पढ़ी है, सारी चीजें साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए का काम कौन कर रहा है टू, और लिमिट देनी पड़ेगी यहां पे रूट तीन से दो, लिमिट देनी पड़ेगी रूट तीन से दो। अब मैं ये नीचे का भी मिटा देता हूं और सोल्व करता जाता हूं, और फिर अपना आंसर लेके आता हूं, आंसर क्या है इनमें से। यस अब देखो यहां पे हम सिंपल क्या करने वाले हैं, वन बाई रूट थ्री तो बाहर ही रहेगा, अपर लिमिट दो, रूट थ्री दोगे तो रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री बाई टू, माइनस लोअर लिमिट दो, माइनस लोअर लिमिट दोगे तो सब जीरो। यस ये सोल्व हो चुका, अगला सोल्व करते। प्लस प्लस यहां पे अपर लिमिट देता हूं मैं, तो देखो यहां पे आप टू का स्केयर लगाओगे तो फोर, फोर माइनस फोर जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। अब आगे चलता हूं, यहां पे टू रखोगे तो ये तो देखो फोर बाई टू टू, ये तो जीरो हो ही चुका, जीरो प्लस में ये लिखने वाला हूं, जीरो लिखो चाहे मत लिखो। अब फोर बाई टू टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स टू बाई टू वन, साइन इनवर्स टू बाई टू वन। यस अपर लिमिट दे दी मैंने, माइनस माइनस, अब मैं देता हूं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जब लोअर लिमिट यहां रखोगे तो रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, और प्यारे बच्चों अंडर रूट फोर माइनस में रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री, और प्लस में मैं यहां लिख रहा हूं, प्लस में मैं यहां लिख रहा हूं फोर बाई टू आपका टू, फोर बाई टू आपका टू,
है ना, यस अपर लिमिट मैं यहाँ पे दे चुका था आपने देखी, और अब माइनस लोअर लिमिट दे रहा हूं, तो ब्रैकेट थोड़ा लगाना पड़ेगा अपने को, रूट थ्री बाई टू फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और प्लस में फोर बाई टू, टू बन चुका साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, सिंपल सी चीज है यार, बहुत आसान, हर बच्चा जानता होगा इस चीज को, यस अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, इसको कर लेता हूं सोल्व। तो यहां पे देखो ये कितना आएगा, रूट थ्री आ जाएगा ऊपर कट के बाई टू, ये तो सोल्व होके आ गया रूट थ्री बाई टू, आगे चला प्लस प्लस टू इंटू साइन इनवर्स वन, टू इंटू साइन इनवर्स वन, टू इंटू पाई बाई टू, टू इंटू पाई बाई टू साइन इनवर्स वन पाई बाई टू होता है, माइनस माइनस फोर में से थ्री गए तो वन, वन का रूट वन, खाली क्या रहा रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू आगे चला तो ये माइनस प्लस माइनस, और भाई टू तो रहेगा ही रहेगा, साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू होता है पाई बाई थ्री, यस प्यारे बच्चों साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू होता है पाई बाई थ्री। अब इसको सोल्व करते हैं फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो देखो भाई मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं, प्लस अंदर जाएगा तो ये प्लस का प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और मैंने ब्रैकेट यहां पे हटा दिया आपका कंप्लीट। अब देखो रूट थ्री बाई टू से रूट थ्री बाई टू कैंसिल यार, टू से टू कैंसिल, अब आप देखो पाई माइनस में टू पाई बाई थ्री बचा, और जब इसको सोल्व करोगे तो थ्री एलसीएम, थ्री पाई माइनस टू पाई आया आपका पाई, थ्री माइनस टू पाई आया आपका पाई, पाई बाई थ्री स्क्वेयर यूनिट्स। ऑप्शन चेक करो प्यारे बच्चों, बहुत आसान सी चीज है, ऑप्शन चेक करो पाई बाई थ्री कौन सा है, यहां पे पाई बाई थ्री कहां है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में पाई बाई थ्री स्क्वेयर यूनिट्स है, तो यहां पे ऑप्शन सी अपना होता है बिल्कुल करेक्ट। प्यारे बच्चों बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, यस बच्चों अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द पीस ओ ए बी सी ओ ऑफ द सर्कुलर डिजाइन पिज्जा इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो एरिया ऑफ द पीस ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ मतलब कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका एरिया बताना है, तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं एरिया ओ ए बी सी ओ। तो यार ये चार भाग हो गए है ना, चार भाग हो गए, एक तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, एक सेकेंड वाला, एक थर्ड वाला, एक फोर्थ वाला, और चारों बराबर है, चारों बराबर है। अगर आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो और उसको चार से डिवाइड कर दो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला भाग आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं है। तो एरिया आप सर्कल का बता सकते हो क्योंकि रेडियस आपके हाथ में है, रेडियस आपके हाथ में, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू में रेडियस यहां पे टू है, टू का स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल हो गया, मतलब कि फोर पाई स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। बट आपको एरिया चौथे भाग का बताना है, चारों भाग बराबर बराबर है, चौथे भाग का बताना है, तो यार चार से डिवाइड मार दो, चार से डिवाइड मारोगे तो खाली पाई स्क्वायर यूनिट्स आएगा, खाली क्या आएगा पाई स्क्वायर यूनिट्स आएगा, और पाई यहां पे देखो कहां पे, फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए में है, पाई स्क्वायर यूनिट्स ऑप्शन ए में है, तो यहां पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए होता है बिल्कुल करेक्ट। यहां पे आपको इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं करना था, आराम से बिना इंटीग्रेशन का यूज किए आप जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट है उसका एरिया बता सकते हो क्योंकि चारों पार्ट बराबर है, सारे सर्कल का एरिया निकाल लिया मैंने पाई आर स्क्वायर से, आर क्या है यहां पे टू, और उसको कर दिया चार से डिवाइड, चौथा भाग चाहिए था तो पाई यहां पे स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आया एक भाग का, यहां पे फर्स्ट जो यहां पे पूछ रहा है ओ ए बी सी ओ का, तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है थर्ड क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यस जो अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन है, जो इसमें मेन जो दम था वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर था, अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखो ये बिल्कुल आसान सा है, थर्ड बिल्कुल आसान सा था, कुछ था ही नहीं, और इसका लास्ट भी बिल्कुल आसान ही होने वाला है। देखो ये कितना आसान है, देखना द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर शेप ऑफ द पिज्जा इज, सेमी सर्कुलर शेप ऑफ द पिज्जा इज मतलब हाफ सर्कल का एरिया बताना है, तो यार पूरे का पता है, पूरे का पता है तो उसका हाफ कर दो, हाफ सर्कल का आ जाएगा, तो पूरे का क्या है, अभी अभी लिखा तो था मैंने पूरे का पाई आर स्क्वायर, तो आर रेडियस दो है तो दो का स्क्वायर चार पाई स्क्वायर यूनिट्स था, पूरे का, पूरे का चार पाई स्क्वायर यूनिट्स था, आपको सेमी सर्कुलर चाहिए है ना, सेमी सर्कुलर शेप का एरिया चाहिए, तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो यार इसका आधा कर दो, आधा इसका आधा कितना होगा टू पाई
स्क्वायर यूनिट्स होगा या नहीं, 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स होगा या नहीं, तो 2 पाई कहां पे है आप देखो, ऑप्शन बी में है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन होता है बिल्कुल करेक्ट। यहां पे मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, यस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते, कहता है कि एरिया ऑफ द होल पिज्जा इज, यार ये मैंने 2-3 बार तो आपको बता दिया, पूरे सर्कल का एरिया पूछ रहा है, पूरे सर्कल का, और अभी अभी हमने 2 बार डिस्कस कर लिया पूरे सर्कल का। आसान, रेडियस का स्क्वायर इनटू में पाई, मतलब कि रेडियस कितनी है 2 का स्क्वायर इनटू पाई स्क्वायर यूनिट्स, तो बिल्कुल आसान सी चीज है भाई, बिल्कुल आसान सी चीज, ये पहले भी मैं 2 बार बता चुका हूं, मतलब कि 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स यहां पे आपका आंसर होता है, तो ऑप्शन यहां पे आपका बनेगा सी बिल्कुल करेक्ट। यस प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा 5th पार्ट का। तो यार ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू वेरी मच।